Uh, today I'm going to discuss general principles of human development. Uh, principles are very much important for uh, to understand the growth and development of human beings. And uh, these principles actually provide the framework uh, for every human to understand the rate and, uh, and the achievements and uh, the growth's fluency to uh, just see that uh, what pattern a human being is following so these principles are very very much important to uh, see that whether the human being is uh, proceeding well or uh, whatever what factors are actually influencing the human beings growth and development so the principle is number 4 individual differences in the development process so we all know that uh, humans are different from uh, each other and no one is equal to each other and everybody behaves differently even two brothers and sisters they are different and uh, how they are different uh, everybody is different by intelligence everybody is different by attitudes everybody is different uh, in behavior and uh, why these humans are different because god has created human beings differently and god has actually given the abilities to human beings differently and two brothers are not same and two sisters are not same so uh, aaj hum ye keh sakte hain ki intelligence wise jo hain wo humans different hote hain isi tarah se jo unki specific or general abilities hain uske lihaz se wo different hote hain इसी तरह से even उनके जो बिहेवियर behavior, बिहेवियरल जो patterns होते हैं उसके लिहाज से वो different होते हैं अब ये जो difference है ये हेरिडट्री फैक्टर भी इस पर असरअंदाज होता है और इन्वामेंटल फैक्टर भी तो ये डिफरेंसेस के साथ ह्यूमन बीग्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं अब हमें इन डिफरेंसेस के साथ ही इंसानों को एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि हम ये कह नहीं सकते कि दो इंसान अगर एक भाई जो है वो इंजीनियर है या डॉक्टर है तो दूसरे को भी वैसा ही होना चाहिए क्योंकि वो इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड भी अपना डिफरेंट लेके आते हैं इसलिए हर इंसान का जो इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड है उसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी का लाहे अमल जो है वो मुरतब करता है इसलिए ये कहना जो है वो गलत होता है या एक्सपेक्टेशनस गलत होती हैं पेरेंट्स की और टीचर्स की कि वो हर एक बच्चे को समझ रहे होते हैं कि ये ए ग्रेडर ए ग्रेडर हर एक बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी अपनी एक चॉइस है उसकी अपनी एक लाइकिंग और डिसलाइकिंग है उसका एक जो चॉइस ऑफ प्रोफेशन है एक चॉइस ऑफ सब्जेक्ट है ये उसके बिल्कुल एप्टीट्यूड के मुताबिक होता है तो इसलिए ये जो डिफरेंसेस हैं जब हम इनको ठीक तरीके से डील नहीं करते तो बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती है इवन घर में जब पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को डिफरेंटली डील करते हैं डिफरेंटली से मुराद ये है कि एक को बहुत ज़्यादा मोहब्बत और दूसरे को बहुत ज़्यादा कम इटेंशन दी जाती है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो है वो जेलसी क्रिएट होती है और बच्चे जो हैं वो ए, अपने बहन भाइयों के साथ जो है वो पॉजिटिव रिलेशन में नहीं आते इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं ये असूल जो है डेवलपमेंट का इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है और पेरेंट्स को भी गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए और टीचर्स को भी गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए कि एक क्लास जो है अल्लाह ताली की ये डिवीजन है कि उसने बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत कम इंटेलिजेंट जो है वो कम पैदा किए हैं जबकि एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं और एवरेज ह्यूमन बींगस जो हैं उसको ज़्यादा तादाद में पैदा किया है इस कायनात के सारे सिस्टम को चलाने के लिए अगर सारे ही जहीन होते तब भी ये कायनात का सिस्टम चलाना मुश्किल हो जाता इसी तरह से अगर कम जहीन जो है वो होते तो तब भी इस कायनात का सिस्टम चलाना मुश्किल हो जाता इसलिए अल्लाह ताला की जो डिवीजन है वो बड़ी ही कमाल है और उसके मुताबिक जो है सारी यूनिवर्स जो है इन तमाम इंसानों की जो एबिलिटीज़ हैं उससे फ़ायदा उठा रही है तो अब क्लास रूम के अंदर एक उस्ताद के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना बड़ा ज़रूरी है वो एक जो बच्चा है अगर वो आपकी जो बात है उसको फ़ौरी तौर पे पिक नहीं कर पा रहा और बाकी जो है फ़िफ्टी परसेंट स्टूडेंट्स पिक कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या उसके अंदर इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम है हो सकता है कोई फ़िज़िकल जो है वो डिसेबिलिटी उसके साथ आ रही हो या हो सकता है कि वो अपनी जो उसके पर्सनल फैक्टर्स हैं जैसे सेल्फ़ इस्टीम है का कॉन्फिडेंस है इसके अलावा शाइनेस है ये चीज़ें तो नहीं उसके ऊपर से अंदाज हो रही ये भी आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आती है कि एक भाई बहुत ज़्यादा बोल्ड और एक भाई जो है वो बहुत ज़्यादा शाय ये दो बहनें जो हैं वो डिफरेंट होती हैं अपने एटीट्यूड में अपनी साइकोलॉजिकल वेलबींग में वो डिफरेंट होती हैं तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट प्रोसेस सो ये बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं ये डिसाइड करते हैं डिफरेंसेस को किस तरह से डील करना है हेरिडिट्री जो डिफरेंसेस हैं वो तो बच्चे लेके आते हैं अपने पेरेंट्स से लेकिन इन्वामेंटल फैक्टर्स जो हैं वो हमारे हाथ में होते हैं हम किसी तरीके से उनको तब्दील करके अपने इन डिफ्रेंसिस को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं इसके बाद डेवलपमेंटल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मेचोरेशन एंड लर्निंग अब जैसे जैसे इंसान जो है वो ग्रो करता है उसकी जो ग्रोथ होती है उसके अंदर इमेचोरिटी से वो मेचोरटी की तरफ़ आता है और इसी तरह से वो अपने एनवायरनमेंट से अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्न करता है तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे डेवलपमेंट में एक तो ये है कि मेचोरेशन हो रही है और साथ ही बच्चे की लर्निंग भी हो रही है अच्छा एक तो आपकी हेरिडिट्री या एक नेचुरल जो ग्रोथ है वो मेचोरेशन फिज़िकल आपकी जो जब्रिंगिंग uh, हो रही है दूसरे नंबर पे जो एनवायरनमेंट आपको साथ साथ लेके चल रहा है उसमें यह है कि आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं अच्छे हैं या बुरे हैं उसकी वजह से जो आप आगे से सोसाइटी को रिस्पॉन्ड करते हैं वो भी उसी तरीके से आप लर्न करते हैं। आपने मिसाल के तौर पर किसी इंसान से जो धोखा खाया है तो ये आपकी लर्निंग हुई आप दोबारा से वो गलती रिपीट नहीं करेंगे और नेक्स्ट टाइम जो है वो ज़्यादा मेचोरटी का मुजाहरा करेंगे और उसके बाद जो है मेचोरेशन एक तबन आपकी हो रही है जिसमें आपकी फ़िज़िकल ग्रोथ हो रही है उसके अलावा आपकी डेवलपमेंट आपकी इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रही है उम्र के साथ साथ वक्त के साथ साथ दूसरे नंबर पर आप लोगों से सोसाइटी से अपने इन्वामेंट से भी सीख रहे हैं तो डिवेलपमेंट जो है ये डिपेंड करती है मेचोरेशन पे और लर्निंग थ्रू एनवायारमेंट पे जो आप अपने एक्सपीरियंसिस के थ्रू जो है वो सीख रहे होते हैं इसलिए चाइल्ड इन्वायरमेंट एंड द लर्निंग दैट अकर्स एज रिजल्ट ऑफ़ द चाइल्ड एक्सपीरियंसिस तो ये जो एक्सपीरियंसिस आपके मुख्तलिफ किस्म के होते हैं ये आप अपने पेयर्स के साथ से, से भी लर्निंग करते हैं आप अपने गली मोहल्ले के माहौल से लर्न करते हैं आप अपने घर के माहौल से लर्न करते हैं आप अपने उस से लर्न करते हैं उनको आप मॉडल करते हैं उनको आप फॉलो करते हैं और इसी तरह से आप जो है अपने घर के डिफरेंट माहौल से जब स्कूल में आते हैं तो वहाँ के पेयर्स जो आपके दोस्त हैं अब वो जो आपके साथ सोशलाइजेशन करते हैं तो उस सोशलाइजेशन के नतीजे में भी आपके बिहेवियर में तब्दीली आती है और इस सारे प्रोसेस से जो है वो एक बच्चा लर्न करता है लर्निंग के साथ साथ उसकी मेचोरेशन होती है और वो अपनी मेचोरिटी को छोड़ते हुए आगे मेचोर अपनी ज़िंदगी की तरफ बढ़ता चला जाता है